सॉन्ग एंड डांस सीक्वेंसेस यानी नाच और गाना हिंदी सिनेमा की पहचान है और इसके बिना हिंदी सिनेमा अधूरा है, चाहे कोई भी भाषा की फिल्म क्यों ना हो। ये फिल्म नहीं आसान में आज मैं आपको लेके आया हूँ फिल्म सिटी चित्रनगरी में, जहाँ पे एक सेट लगा हुआ है और जिस जगह पे सेट लगा है उसका नाम है हेलीपैड। हेलीपैड पे ये सेट है, फिल्म का नाम है भिखारी और ये फिल्म है एक मराठी फिल्म और इसके जो डायरेक्टर है वो जाने माने डांस डायरेक्टर है। उन्होंने करीब 170 फिल्मों में कोरियोग्राफी की है। ये कौन है, आप जब इनसे मिलेंगे इनको जान जाएंगे, पहचान जाएंगे और मानते तो आप इनको हैं। तो चलिए मिलते हैं इस नामी ग्रामी कोरियोग्राफर से। इससे पहले कि हम कोरियोग्राफर से मिले जिनसे मैं आज आपको मिलवाने वाला हूँ, पहले हम यहाँ के माहौल का थोड़ा जायजा ले लेते हैं और मैं आपको मिलाता हूँ कुछ जूनियर आर्टिस्ट से जो यहाँ पे अभी डांस में भीड़ में हैं, जो नाच रहे हैं। अभी मेरे साथ हैं शर्मा जी। शर्मा जी आप कहाँ से हैं? हरियाणा से। तो हरियाणा से आप शूटिंग करने कहाँ आ गए? शूटिंग बस ऐसे ही सर, घूमने के लिए आ गए थे तो देखने आ गए। फिल्मों का तो आप देख थोड़ी रहे, आप तो काम कर रहे हैं। मेरे को है शौक थोड़ा करने का तो इसलिए आ गया। आज सुबह एक दोस्त है वो बोला चलो आज शूट कर लेते हैं तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। शूटिंग भी करेंगे, पैसे भी मिलेगा? हाँ पैसा मिलेगा सर। तो क्या लालच होता है, पैसा मिलेगा, खाना मिलेगा, सब कुछ? ये तो होता ही, अभी मेरे पास काम नहीं था, सोचा खाना मिलेगा पैसा भी मिलेगा तो कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रॉबर्ट है और मैं एक्टर हूँ, अग्निपथ में हूँ, सत्या 2 और काफी फिल्में मैंने कैरेक्टर की है। कितने साल से आप फिल्मों में? मैं 8-10 साल से पिक्चरों में हूँ। और यही बॉम्बे के रहने वाले, मुंबई के रहने वाले? मैं MP इंदौर से बिलोंग करता हूँ, इंदौर के पास जावरा है और जावरा से बिलोंग करता हूँ। डायरेक्टर आर्टिस्ट हूँ और साथ साथ में कोऑर्डिनेशन भी करता हूँ। तो यहाँ मेरे काफी बंदे हैं जिनको तो मैं काम दिला रहा हूँ, जिनमें मेरे गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं। आप मुझे ये बताइए कि इतने लोगों को इकट्ठा करके लाना, सुबह कितने बजे उठे आप? हम लोग तो सुबह 6 बजे जाग जाते हैं, सुबह 6 बजे से फिर लड़कों को कॉलिंग कर देते हैं। 9 बजे के अगर शिफ्ट है तो 8 बजे उन्हें पहुंचना होता है। 8 बजे आने के बाद काउंटिंग होती है, उसके बाद में सब शूट करते हैं और तकरीबन आप समझिए कि उनमें से कुछ को कैरेक्टर भी मिल जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टर के अगर समझ में आता है तो किसी किसी को 1-2 लाइन का डायलॉग भी मिल जाता है। कितना पैसा होता है जूनियर आर्टिस्ट को, कितना मिलता है? जूनियर आर्टिस्ट में वैसे तो जो फेडरेशन बनी हुई है, जो जिनका कार्ड काफ़ी कीमती हैं, उनका तो फिक्स हैगा, उन लोगों को तो 1,800 रुपये के करीब मिलता है। उनका भी आधा पैसा हमें जो है यहाँ हमारे बंदों को दिया जाता है। क्या लगा रहे हैं आप इसमें? ये मुल्तानी मिट्टी है। मुल्तानी मिट्टी? हाँ, अगोरी बना रहे। तो अगोरी बाबा असली हो नकली हो? अभी तो असली हो, ये निकलने के बाद नकली हो जाएगा। अभी कैरेक्टर में है? हाँ जी, पूरे सब कैरेक्टर में। ये दाढ़ी बाल जो है ये सब असली क्या है, मूछे खाली या सब नकली है? इतना उम्र नहीं मेरा, असली है, सब नकली है शॉट के लिए। कितने साल से डांस कर रहे हैं फिल्मों में? 38 साल। 38 से? कहाँ के रहने वाले आप? गुजरात के। गुजरात? हाँ गुजरात। तो मुंबई में कैसे आए? यहाँ से पहले से रहते हैं, रहने का यहाँ मलाड में, बट काम फिल्मों में ही करते हैं। हाँ करोड़ में कभी कभी बुलाते चले जाते हैं। वैसे क्या करते हैं? जैसे कपड़े का धंधा करते हैं हम लोग। जिंदगी इसी पे निर्भर है या अपने धंधे पे निर्भर है? अभी देखो ऐसा धंधे पे निर्भर है, इसमें हो जाती है ये तो चलो शौक के लिए आ जाते हैं। इस लाइन में आपको अच्छी क्या बात लगती है? अच्छी तो क्या है, इसमें ये लाइन सब खराब ही है, अच्छी लाइन नहीं है बराबर है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 59 की हो गई। और आप फिल्मों में कब से काम कर रहे हैं? फिल्मों में ऐसा है 35 साल हो गया हमको, और मैं राइटर और गीतकार हूँ। अच्छा। कभी कभी लिंक पे आ जाता हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले तो हाथरस सिटी, मथुरा जिला अलीगढ़ के थे, लेकिन जिला हाथरस हो गया है और हमको जोगेश्वरी बम्बई में कम से कम 35 साल हो गया। तो वहाँ से आप यहाँ फिल्मों में काम करने के हिसाब से आए थे, राइटर के हिसाब से? तो माँ बाप ने रोका नहीं? नहीं, उनको क्या, हम कलाकार आदमी थे, तकलीफ वाली बात नहीं थी। आगे चले आए तो माँ बाप क्या रोकेंगे, वो सब बातें आते हैं ना, माँ बाप थोड़ी बोलते बम्बई जाओ, पहले पिक्चर देखते थे हम लोग। आप कहाँ से? हम भी उधर गई हैं, मथुरा के रहने वाले। यहाँ जो भीड़ में लोग हैं, एक खाली जूनियर आर्टिस्ट नहीं है, आर्टिस्ट है ना, वो अलग बात है कि यहाँ पे आप वो काम कर रहे हैं जो शायद सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो, जो आप हमने कभी उम्मीद भी नहीं सोच ले कि 4-5 साल से कुछ पहचान ऐसी हो गई है, आ ही जाते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि ये जूनियर वो सीनियर, कला कला ही होती है, बहुत कुछ सीखने को ही मिलता है। वेरी गुड, शुक्रिया।
ये सारे जूनियर डांसर्स हैं जो अभी मस्ती कर रहे हैं क्योंकि ये लोग फ्रेम में नहीं है, इसलिए हमारे लिए हमारे कैमरा के लिए सब नाच रहे हैं। वैसे सारे के सारे लोग डांसर्स हैं लेकिन इनका जो मेकअप है वो भी अघोरी की तरह है, अघोरी बाबा की तरह है। और ये बाकी जो लोग हैं ये भी फ्रेम में नहीं है इसलिए यहाँ सब खड़े हुए हैं। तो अभी हम आपको जो यहाँ का माहौल है वो दिखा चुके हैं और इस माहौल को दिखाने के बाद अब चलते हैं सीधे उस कोरियोग्राफर की तरफ, उस डांस डायरेक्टर की तरफ जिनसे मैं आज आपको मिलवा रहा हूँ। जिम का हैंडल, जिम का हैंडल। हाय गणेश। हेलो, हाय हाय, हाँ भाई। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किससे आपको मिलाने वाला था, मैंने आपका इंट्रोडक्शन पहले ही दे दिया। ये मैं प्रोड्यूसर शरद चलात। हाय शरद, हाय हाय। एंड इज माय न्यू एक्ट्रेस रुचा इनामदार एंड देयर इज माय वाइफ विधि आचार्य। बिल्कुल। एंड माय मॉम। परिवार के बिना सब कुछ अधूरा है। परिवार साथ में घर में भी है और शूट पे भी है, पूरा पूरा सहयोग। चलिए आपके सेट पे चलते चलते बात करते हैं। महेश, मेरे कैमरामैन महेश सिंह में, इन्होंने येलो फिल्म डायरेक्ट की थी मराठी नेशनल और सब। इज माय राइटर गुरु ठाकुर। और मैं दो मिनट महेश को शॉर्ट समझाता हूँ फिर चलते हम लोग। बिल्कुल। तो ये हेलीपैड बोलते हैं इस जगह को। हेलीपैड बोलते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े सेट लगे। कितना क्राउड है आज? यहाँ पे कम से कम 1100 लोग हैं। 1100 लोग, मतलब 500 डांसर्स हैं, 500 जूनियर आर्टिस्ट हैं और 100 वो बजाने वाले जो ऊपर आप देखेंगे उधर। ये पूरा जो स्टैच्यू है कितना लंबा आपने बनाया? ये है 30-35 फुट का होगा। 30-35 फुट का, 30-35 फुट का है। और आप अगर देखोगे तो आप वो येलो ड्रेस देख रहे हो, जूनियर आर्टिस्ट है। फिर उसके पीछे एक ब्लू कलर है, फिर ग्रीन कलर है, फिर मल्टी कलर है और वहाँ घंटे है और ये यहाँ पे बजाने वाले पतंग है। तो हम लोगों ने सोचा कि हमेशा कुछ गाने होते हैं लेकिन इसमें कलर कॉम्बिनेशन गाना रखा, कलरफुल फेस्टिवल। कुछ नागा बाबा भी देखे, नागा साधु, अघोरी बाबा बोलते हैं, अघोरी बाबा वो 50 है वहाँ पे। मुझे बताइए कि इतने सारे लोगों के साथ डांस या गाना शूट करना, एक तो सबको टाइम पे लाना, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, टाइम पे लाना, उनको तैयार कराना, उनका मेकअप कराना और एग्जैक्ट टाइम पे ले आना, कितना मुश्किल काम ये सब लोग है। 5:30 बजे आते हैं और 6:30-7 बजे तक ये पूरा 1000 का तामझाम में खड़ा हो जाता है एक माइक आवाज पे। ये लोग सब प्यार इतना करते हैं। आप देखिए, हमने इवन झंडे भी अलग बनाए गणपति के। हम लोगों ने 1000 बलून मंगाए पड़े, आपने देखा होगा, बलून आसमान में उड़ा है। मतलब सब कुछ प्लानिंग के साथ किया हुआ है। इस फिल्म का जो डांस डायरेक्टर, कोरियोग्राफर मैं नहीं हूँ, मैं तो नाच रहा हूँ। कोरियोग्राफर राहुल संजीव है, उन लोगों ने बहुत मेहनत की है। ये बड़ी अजीब बात है कि आप खुद कोरियोग्राफर है और आप खुद नहीं इसमें डांस डायरेक्शन कर रहे हैं। मैं डायरेक्टर कर रहा हूँ फिल्म, तो मुझे थोड़ा सा प्लानिंग सब कुछ किया है। तो मैं हमेशा जब फिल्म करता हूँ तो राहुल और संजीव को बोलता हूँ कि तुम लोग करो गाने, तो दे आर ऑल मास्ट। अभी उन लोग का बहुत सारी फिल्में आ रहे हैं, दे आर वेरी गुड। मैं अगर आपके जर्नी पे जाऊँ पीछे, तो आपको जबरदस्ती कोरियोग्राफी में या डांस में आना पड़ा। 10 साल की उम्र में आपके फादर नहीं रहे थे। हाँ। और उसके बाद आपने ये, तो अगर आप डांस डायरेक्टर नहीं होते तो क्या होते? शायद जूनियर आर्टिस्ट, इधर किधर पीछे इनमें से एक होता। बट आप भी कभी इनमें से एक थे? अभी भी इनमें से एक ही हूँ। अगर इनमें से मैं अलग हो गया ना तो शायद मैं यहाँ नहीं रहूँ। तो मुझे ये बताइए कि डांस डायरेक्टर बनना, मास्टर जी बनना, ये आपने कब और क्यों डिसाइड किया? मेरे डैडी बहुत बड़े डांस मास्टर, मुझे मालूम है। कृष्णा गोपी जी थे, वो गुजरे। अच्छा, मैं लोगों को क्लियर कर दूं, कृष्णा गोपी और गोपी कृष्ण नहीं, गोपी कृष्ण जी अलग थे जो क्लासिकल मास्टर थे और कृष्णा गोपी जो थे मेरे डैडी थे जो डांसर थे, जो उनका सपना था कि वो डांस मास्टर बने लेकिन बन नहीं पाए। तो वो सपना मैं लेके यहाँ आया था। मेरी सिस्टर ग्रुप डांस करती थी। आपके बारे में कहा जाता है आप अनट्रेन डांसर है, आपको अपनी आपकी बहन ने आपको डायरेक्ट डांस मेरे पिताजी ने सिखाया। मैं सच बोलूं तो मैं अभी भी ट्रेन डांसर नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं। मैं इनमें से आम लोगों में से कोरियोग्राफी उठाता और मूवमेंट करता। अभी इस गाने में आप ऐसा ऐसा एक साइन मूवमेंट है तो लोग ऐसे ताली मारते हैं, मैं उल्टी मारता हूँ कुछ ना कुछ। लेकिन फिर भी अगर मैं उस वक्त की बात करूं, कितना मुश्किल था वो वक्त? उस वक्त गिने चुने 3 डांस मास्टर थे, कमल मास्टर जी मेरे गुरु, सरोज जी, सूरज जी। उनमें से वो जब गए, उनमें से कई लोग, फिर निमेश, भूपी और कई लोग आए
अब कर रहे हैं उन लोग। मैंने अपनी कई जिंदगी की कई चीजें है ना सिर्फ काम के से छोड़ दी है, काम मिलने सब कुछ है। कितनी फिल्मों में आपने आज जूनियर डांसर जो आर्टिस्ट जो होते जो काम किया नाचते हैं पीछे भीड़ में, कितनी फिल्में की होंगी? बहुत किए मैंने, बहुत फिल्में की। आज भी आप देखो जादूगर, तूफान, बड़ी बड़ी फिल्में, अमित जी, मिथुन चक्रवर्ती, राजेश का के पीछे मैं ग्रुप में नजर आता हूँ। जब फर्स्ट फिल्म जब आपकी मिली आपको अनाम, अनाम 92 आकर अनाम, तो अनाम क्योंकि एक जूनियर आर्टिस्ट से डांस डायरेक्टर बनना मुश्किल हो जाता है प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को, ये एक्सेप्ट करना कि एक आदमी जो अभी तक भीड़ में नाच रहा था वो अब डांस डायरेक्टर बनेगा, वो मिलना कितना मुश्किल था? अनाम में, अनाम के टाइम पे मैं भी उस फिल्म में ड्रेसमैन था। आप भी थे? पुरानी जोड़ी है, इनकी पहली फिल्म थी और मिस्टर चौधरी करके थे प्रोड्यूसर जो बोकड़े साहब के साले थे, ये उनके पास आए तो उन्होंने इनको ये किया। नहीं नहीं भी है। वो इसके पीछे पप्पू लेखराज इन कंपनी है, उन्होंने मुझे एसबी चौधरी से मिलाया, बोला कि आप इनको गाना, उन्होंने ज्यादा ये किया करके ये आसानी से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया आपको? नहीं 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 आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया, मैं चाहता हूँ ये बताए, डिस्कशन हुआ बहुत हुआ। नहीं नहीं, वो एसबी चौधरी जी ने बोला गाने के पीछे 5 लाख खर्चा हो क्या करेगा, तो पप्पू ने बोला कि अगर गाना खराब होगा तो पैसा पूरा मैं दे दूंगा। एज ए डांस डायरेक्टर जब आप लोगों को, जब फिल्म स्टार्स को आप डांस सिखाते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है, डांसर्स, नॉन डांसर्स, और मैंने पढ़ा कि आपने कहा कि जो डांसर्स होते हैं उनके साथ काम करना मुश्किल होता है, नॉन डांसर्स के साथ मुश्किल नहीं होता। सही बोला, सही। तो ऐसा क्यों कि डांसर्स के साथ? तो जिसको आता है उसको ज्यादा अच्छी तरह से करवाना पड़ता है, जिसको नहीं आता जो हम बोले वही कर लेता है, तो वो बहुत सिंपल सी भाषा है। तो जो नहीं आता बेचारा थोड़ा ऐसा रहता है कि यार मेरे को यूं भी बताए तो यूं कर लेगा, जिसको आता तो यूं सब कुछ करना पड़ता है। तो दैट इज डिफरेंट। अच्छा, मैंने ये भी पढ़ा कि जो गोविंदा थे वो आपके फेवरेट डांसर? गोविंदा जी तो मेरे गॉड का गॉड फादर है, उन्होंने तो मुझे बनाया, उन्होंने मुझे डेविड धवन से मिलाया, डेविड धवन से मेरे को कितना हेल्प किया, कई गाने दिए उन्होंने। और आपकी सिस्टर थी जिन्होंने कहा कि आपका डांस स्टाइल? यस, मेरी सिस्टर सही बात, हाँ एकदम करेक्ट। चलिए आपकी सक्सेस की मैं आगे भी बात करूंगा, अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से वापस बात करते हैं। थैंक यू।